और अब बात आसमान से बरस रही आफत की करते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बारिश यहां लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है। देखिए, महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बुलडाणा में बारिश का पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी यहाँ पर बहती चली गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के बुलडाणा की तस्वीरें देखिए। अब समझिए बाढ़ और बारिश का कहर किस तरीके से लगातार जारी है। ये कार किसी खिलौने की तरह आगे बहती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, कार नहीं दुकान भी जो है पूरी की पूरी बह गई। तस्वीर आप देख पा रहे हैं और यही स्थिति महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की इस वक्त दिखाई पड़ती है। अब आप सोचिए कि सड़कों पर इस तरह से दुकान का बह जाना या गाड़ी का बह जाना, तो फिर लोग अपनी आवाजाही जिन्हें करनी है, जिन्हें अपने घर से बाहर निकलना है, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी का सामना महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो वही बुलडाणा में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। गांव और शहर दोनों की बात करें तो दोनों जगह ही बिल्कुल एक जैसे हालात बने हुए हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक तरफ पानी के तेज बहाव में कार और दुकान पूरी तरीके से बह गई, तो वही गांव के इलाके में खेती करने गए दो लोग पानी के बीचों बीच कैसे फंस गए वो भी तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ पानी में एक कार बह गई, दुकान यहां पर पानी में बहती चली गई और दूसरी तरफ वो लोग जो पानी में यहां पर फंस गए। हालांकि आप देखिए ये मुश्किल भरा भी हो सकता है अगर पानी का बहाव ज्यादा हो। अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, लेकिन कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा खुद की सावधानी कैसे बरती जाए। और इसीलिए वहां पर प्रशासन की भी अपील यही है, जो ज्यादा रिस्क वाले जगह पर लोग रहते हैं कि अगर जरूरत ना हो तो वो घर से भी बाहर ना निकले। तो बुलडाणा की तस्वीर आपके सामने है जहां पर देखिए पानी का प्रवाह कितना ज्यादा तेज है। ये गाड़ी जो है वो खिलौने की तरह आगे बहती हुई नजर आ रही है। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, ये दुकान है, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं दरअसल ये दुकान है जो वहां पर थी लेकिन अब वहां पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो पानी के तेज प्रवाह में जो है पूरी तरीके से बह चुकी है। और कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी है। सिर्फ निचले इलाके नहीं, रिहायशी इलाकों की भी आप बात करेंगे तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रखी हैं। पूरे महाराष्ट्र में अभी फिलहाल बाढ़ और बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। और महाराष्ट्र के ही कई सारे जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की मार इस वक्त झेल रहे हैं। देखिए रत्नागिरी की बात करें तो रत्नागिरी में बाढ़ का पानी कई जगह पर जमा हो चुका है। सड़क पर पानी भरने के बाद कई गाड़ियां सड़क पर सिर्फ रेंगती हुई दिखाई दी। बारिश के पानी ने आप देखिए कैसे लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है लबालब सड़कें, यानी कि सड़कें हैं जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, लोगों की आवाजाही होती है। लेकिन अगर कुछ इस वक्त इस तस्वीर को देखने के बाद दिखाई दे रहा है तो वो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। महाराष्ट्र के साथ ही दूसरे राज्यों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बारिश आफत बनी हुई है। हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ बरसाती नाला पार करते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें आपके सामने है, मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी नाला पार करते हुए पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और फिर आप देखिए कैसे वो फिसलकर नाले में गिरने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोग आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, गनीमत ये रही कि लोगों ने यहां पर उस व्यक्ति को बचा लिया वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब एक तरफ आप देखिए आसमान से आफत बरस रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ से पत्थर भी लगातार गिर रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ में जमीन खिसकने से पहाड़ से पत्थरों की जमकर बारिश होने लगी। गनीमत हालांकि ये रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई आया नहीं है। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली प्रसिद्ध मुगल रोड पर हुई भूस्खलन के चलते यहाँ पर ये बंद हो गई। ये तस्वीर आपके सामने जम्मू कश्मीर के पुंछ की, एक तरफ कई बाढ़ और बारिश ने परेशान किया हुआ है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें जहाँ पर ये बड़ा मलबा किस तरीके से नीचे जमीन पर आता हुआ दिखाई दिया।